अस्सलामुअलैकुम, वेलकम व्यूअर इन SK301 GDP है, जिसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 24 में है। और उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि आपने एक स्टेम और लीफ का टेबल क्रिएट करना है, और ये हमारा गिवन डेटा है। और आपने जो अपना आंसर है वो डायरेक्ट MD पे पेश नहीं करना, बल्कि GDP के सेक्शन में पेश करना है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड में। आंसर शुड बी रिलेटेड टू, अच्छा जी, जो आंसर है वो हमारा रिलेटिव होना चाहिए, इररिलेवेंट मटेरियल नहीं होना चाहिए, लेंथी जो लेंथी मटेरियल है वो भी अलाउड नहीं है। तो चलते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये अपना डेटा लिख लेना है, जी सबसे पहले हमने डेटा लिखना है। डेटा लिखने के बाद इस डेटे को हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, यानी कि पहले 59 छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद हमें पहले हम अपना अब हम अपना स्टेम और लीफ का टेबल क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक टेबल क्रिएट करना है, तो लिखना है स्टेम और लीफ, और आपने सबसे पहले फ़र्स्ट वैल्यू लिखनी है, यानी फ़र्स्ट वैल्यू 5 से लेकर 9 तक है। 5 लिख लेना है, 6 लिख लेना है, यानी 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, और 8 भी है, और 9 आपने इधर लिख लेना है, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारी स्टेम हो जाएगी। और अब हमने लीफ बनानी है। लीफ के लिए जी हमारे पास 5 के साथ देखे 9 भी है, 9 भी है, तो आपने इधर लीफ में, यानी इसमें लीफ में 9 को दो बार लिख लेना है। उसके बाद 6 में आ जाए, 6 में हमारे पास 2, 2, 3 है, तो आपने जो लीफ बनेगी इसकी वो भी 2, 2, 3 बनेगी। और फिर 7 पे आ जाए, 7 पे ये देखें, अब 7 पे हमारे पास जो लीफ, जो स्टेम है वो सिर्फ 7 ही है, और जो लीफ है वो 7, 7, 8 है, 4, 7, 8 है, सॉरी हाँ, तो जो लीफ है हमारे पास वो 4, 7, 8 है। और फिर स्टेम जो है वो नेक्स्ट 8 है, और 8 की जो लीफ है वो ओनली 3 है। उसके बाद जो हमारी 9 की है, 9 हमारा स्टेम है, और 9 की स्टेम जो है ओनली 9 है। आपने बस पहले डेटे को अरेंज कर लेना है अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें पता चल जाए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, और उनकी फर्स्ट वैल्यू लिख लेनी है एक एक बार। यानी 5 है तो 5 लिख लेना है, 6 है तो 6 लिख लेना है, फिर 7 है, 7 लिख लेना है, और फिर 8 और फिर 9। इसके बाद आपने इनकी सेकंड वैल्यू, ये हमारा स्टेम बन जाएगा, फिर इसकी आपने सेकंड वैल्यू को लिखना है जैसे जैसे आ जाए। ये देखिए 9 है, 5 के साथ पहले 9 है, तो आपने 9, फिर 9, फिर 2, 3 और 2, 2, 3, फिर 2, 2, 3, फिर 7, 4, 7, 8, फिर आपने 4, 7, 8, 3। इतनी सी आपकी GDP थी। यू लाइक देन सब्सक्राइब यू ऑल इन वन। इसका सोल्यूशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जजाक।